इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सिख राज के अंतिम महाराजा महाराज दिलीप सिंह जी के बारे में, जिन्हें दिलीप सिंह या द ब्लैक प्रिंस भी कहा जाता है। दिलीप सिंह जी महाराज रणजीत सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। उनका जन्म 1838 में लाहौर में हुआ था। दिलीप सिंह जी जब सिर्फ 1 साल के थे, तभी उनके पिता महाराजा रणजीत सिंह जी का देहांत हो गया था। महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी और उनके शौर्य के किस्से तो दुनिया भर के लोग जानते हैं। जब तक वो जिंदा थे तो किसी की भी पंजाब की तरफ आंख करने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अशांति का माहौल पैदा हो गया था और अंग्रेज इसी अवसर के इंतजार में थे, जिसके कारण उन्हें सिर्फ 5 साल की ही उम्र में अपनी माँ जिंदा के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। 1845 में दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के पास पंजाब में घुस आने का शानदार मौका आ गया था। 1869 में अंग्रेजों के पंजाब पर कब्जे के महाराजा दिलीप सिंह को सिंहासन से हटा दिया गया। उनकी मां जींद कौर जी को कैद कर लिया गया और दिलीप सिंह जी को अपनी मां से अलग कर दिया गया और उन्हें फतेहगढ़ ले जाया गया। ये इलाका आजकल उत्तर प्रदेश में है। ये इलाका अंग्रेजों की पत्नियों और बच्चों का ठिकाना बन चुका था। दिलीप सिंह जी को आर्मी के सर्जन जॉन स्पेंसर लोगन और उनकी पत्नी के संरक्षण में छोड़ दिया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजों की तरह जिंदगी जीना सिखाया गया। उन्हें उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति से अलग कर दिया गया ताकि अंग्रेज जैसे चाहे वैसे ही उन्हें ढाल सकें। फिर जुबा महाराज ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1854 में वह इंग्लैंड पहुंचे और क्वीन विक्टोरिया से मिले, जिसने उन्हें द ब्लैक प्रिंस का नाम दिया और हर रॉयल पार्टी में भी इनवाइट किया। हालांकि महाराजा दिलीप सिंह जी के इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही पंजाब में से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में क्वीन के पास पहुंच चुका था। उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगा मैं। लेकिन दिलीप सिंह को उनकी मां की जात सताती थी, तो उन्होंने अंग्रेजों से अपनी मां से मिलवाने को कहा और तब तक उनकी मां काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी और उस समय नेपाल में काठमांडू में रहती थी। तो अंग्रेजों को लगा कि अब उसकी मां से उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो दिलीप सिंह जी को उनकी मां से कोलकाता में मिलवाने का प्रबंध किया गया। उस दौरान उनकी मां ने अपने बेटे को बताया कि वो किस महान राजा के बेटे हैं और उन्हें भी महाराजा रणजीत सिंह जी की तरह बनने को कहा और पंजाब को अंग्रेजों से छुड़वाने को कहा। उसके बाद वो इंग्लैंड वापस चले गए और उनके द्वारा फिर से सिख धर्म को अपना लिया गया। 1864 में उन्होंने बम्बा मुल्लर से शादी की। उन्होंने कुल 2 शादियाँ की, लेकिन बच्चों की डेथ हो गई थी। माना जाता है कि उन्होंने यूरोप में भी जाकर मदद मांगी थी और अंग्रेजों के अधीन अपने देश पर आक्रमण करने के लिए भी कहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर नज़रबंद कर दिया था। 1893 में उनकी 55 साल की उम्र में पेरिस में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अंतिम इच्छा में उनका शरीर पंजाब ले जाने के लिए कहा था, लेकिन अंग्रेजों को डर था कि कहीं माहौल ना खराब हो जाए, तो उन्होंने इंग्लैंड में ही ईसाई संस्कारों के हिसाब से उनके शरीर को दफन कर दिया। कुछ लोग अभी भी उनके रिमेन्स को भारत में वापस लाने की मांग करते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।